चैनल फिर से लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त वायरल हुए न्यू नेम आर्ट वीडियो को लेके गए। कुछ इस टाइप का जो नेम आर्ट वाला वीडियो गाइज टिकटॉक में अभी बहुत ही ज्यादा वायरल चली गई इस सॉन्ग के साथ गाइज। ये सॉन्ग भी गाइज अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे है गाइज, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे है ये सॉन्ग और ये जो वीडियो है गाइज बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे है गाइज। तो इस टाइप का वीडियो अगर आप भी बना के डालते तो उम्मीद करता हूँ आपका भी वीडियो बहुत सारा लाइक्स फैंड आने का चांस है या तो वीडियो वायरल होने का भी चांस है गाइज। तो इस टाइप का अगर वीडियो बनाना सीखना चाहते तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना गाइज और अभी से एक लाइक कर दे। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लेना गाइज। और हमारे वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट करके अपना सुझाव देना गाइज, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर से पूछ सकते गाइज, जरूर से मैं आपको रिप्लाई करूंगा गाइज। और इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ गाइज काइनमास्टर पे, तो चले गाइज काइनमास्टर पे चलता हूँ। गाइज इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मेथड आप करना क्या है, ध्यान से देखना वीडियो को गाइज। यहाँ प्लस वाला आइकन को टच करना है, ये 16:9 को रेशियो को लेना है गाइज। उसके बाद मीडिया वाला फाइल पे जाके आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है गाइज। उसको यहाँ पर से डाउनलोड करके ले आना है गाइज, इंपोर्ट कर लेना। तो गाइज ये वाला इस टाइप का कलर वाला आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो कि आपको इंस्टॉल कर मतलब इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद आगे का हिस्सा को थोड़ा यहाँ से ये हिस्सा को थोड़ा सा कट कर लेना। उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट को प्रोसेस क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा और एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा ये वाला कफल वाला, तो इसको इंपोर्ट कर लेना गाइज। इंपोर्ट करने के बाद गाइज इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइज और थोड़ा सा यहाँ जो कलर का है गाइज उसको थोड़ा स्लो कर देना है इसको मेकअप करने के लिए ठीक है। और इसकी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है, इसे कट करने के बाद गाइज ये वाला वीडियो का फुल स्क्रीन कर लेना। पहले फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज क्रोमा की में जाना है, और क्रोमा की में जाने के बाद आप देख सकते हैं गाइज जो ब्लू सॉरी ग्रीन जो लाइंस दिख रहा है जो कपल्स का साइड में कोने में, तो उसको आपको हटा लेना है, बैकग्राउंड को इरेज कर देना। तो इसके लिए इन्वर्ट कर लेना और इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर लेना स्टेप से एडजस्ट करके ठीक है स्टेप से। तो ये स्टेप से लगेगा गाइज कुछ ये, तो देख सकते हैं गाइज बहुत ही बेहतरीन लग रहा है फिलहाल अभी। इसमें और एक दो इफेक्ट डालना है आपको, कौन सा इफेक्ट डालना है दिखा रहा हूँ गाइज। लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना, जैसे कि मैं हमेशा से ही अपना वीडियो में यूज करता हूँ जो वाला इफेक्ट वो इफेक्ट दिखा रहा हूँ गाइज नॉर्मल से ये। इस इफेक्ट को यहाँ पर यूज कर लेना गाइज, और इसको कर लेना है पहले फुल स्क्रीन। उसके बाद नीचे जाना, नीचे जाने के बाद ब्लेंडिंग में जाना, ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पे सेव कर लेना गाइज। और स्क्रीन पे सेव करने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना गाइज। कम करने के बाद गाइज यहाँ पर आप बेसिकली किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, अगर आपको धोखा मिला है चीट मिला है अपने गर्लफ्रेंड का तो वहाँ स्पेशली आप किसी का नाम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है। तो हालाँकि मैं यहाँ पर नाम तो ऐड नहीं करूँगा गाइज, मैं यहाँ पर एक छोटा सा मतलब स्टेटस लिख देता हूँ गाइज, जिससे कि और भी वीडियो अच्छा लगेगा ये देखने में। ये लेयर वाला ऑप्शन पर जाना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर मैंने एक लिख कर रखा है गाइज टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ कॉपी करके। यहाँ पर रियल लव हमेशा साथ रहता है, जिसको आप कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं गाइज, ये लिख लेना गाइज। और लिखने के बाद गाइज यहाँ पर लगा लेना इस टाइप से ये ऊपर में लगा लेना गाइज। और इसकी जो गाइज फॉन्ट है गाइज, फॉन्ट कुछ इस टाइप से लगा लेना अपना स्टाइल से, जो भी अच्छा लग रहा है उस वो वाला फॉन्ट को लगा लेना यहाँ पर। तो ये उतना कुछ खास नहीं लग रहा गाइज, और यहाँ पर ये या दूसरा कोई भी फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हैं। मैं हालांकि इसका जो ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना गाइज, और इसकी जो आगे का हिस्सा को थोड़ा कट कर लेना, मतलब यहाँ से लगाना थोड़ा ठीक है गाइज। और इसको यहाँ से कोई एक अच्छा वाला ही ले लेना गाइज फ़ॉन्ट को, तो ये वाला फ़ॉन्ट भी ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन ये वाला भी मैं नहीं रखूँगा गाइज सॉरी, इसको लग लेता हूँ गाइज, ये ठीक ठाक लग रहा है गाइज। इसको इस टाइप से लगा लेना, इसके इन एनिमेशन आपको डाल देना है, कौन सा दिखा रहा हूँ गाइज वाइप राइट वाला ठीक है। क्या यार कौन सा वाला बना, इसमें टच करना और इन एनिमेशन में जाना गाइज, और इसमें वाइप राइट का आपको इन एनिमेशन लगा लेना। उसके बाद गाइज आपको इसमें कलर की बात है तो कलर आपको ग्रीन ब्लू सेलेक्ट कर लेना, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ ब्लू सेलेक्ट कर लेना गाइज, और ब्लू में इस टाइप का कलर को सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद नीचे जाना है गाइज आपको आउटलाइन सेलेक्ट करना, आउटलाइन में आपको यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर लेना है, तो पूरी तरह रेड या पिंक सेलेक्ट कर लेना, तो पिंक ही रहने देना कोई दिक्कत नहीं है इसमें गाइज। और इसके बाद गाइज वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा दूँ गाइज, कुछ इस टाइप का वीडियो क्रिएट हो जाएगा आपका। और सॉन्ग गाइज इस ऑडियो मतलब इस वीडियो में ही मैं ऑलरेडी ऐड कर दिया हूँ, तो आपको सॉन्ग के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है,
सॉन्ग इसमें ऑलरेडी है, तो इसमें आप खुद से भी कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते, किसी का नाम ऐड करना चाहते तो वो कर सकते हैं गाइज। तो इतना करने के बाद शेयर वाला ऑप्शन पर जाना, वीडियो को लेना एक्सपोर्ट और टिकटॉक पर कर देना पोस्ट। ये वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है सॉन्ग के साथ, तो आई होप आपका भी वीडियो वायरल हो जाए। तो अगर वीडियो बनाना मैं समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लेना, ताकि इसी टाइप का वीडियो बनाना ठीक है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जब मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।